सर जिस तरह आपने देखा बहुत ज़्यादा मज़े आए, होली को आपने ये बोला कि तुम्हारे रंग में मैं हमेशा ही रंगा रहता हूँ, उसकी याद आती जी जी जी, वो तो सबको आती है, मुझे भी आती है आज, है ना, है तो नहीं वो लेकिन याद आती है। बहुत ही हम लोगों ने इन्जॉय किया, बहुत ही मज़ा आया, स्पेशली हरिंदर जी के है तभी हमारा लगता है रेडी ऑरेंज है, तो थैंक यू ऑल एंड हैप्पी होली टू ऑल। नहीं 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 आप इनसे पूछो, ये बोलेंगे ये बोलेंगे नहीं नहीं मैं इसके साथ आया, जन्मों जन्मों का साथ है, मैं कोई कसम नहीं खाती झूठी, I forget to lost my feet. Kasme wade pyaar wafa sab baaki hai baaton ka kya? Dekha to se kaam nahi chalega, main kaam karna padega. Lekin kaun sa hum kahin bheji denge aapko? Peter ke patile mein papita pila pila. पीतल के पतीले में पपीता पीला पीला, 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 पीतल के पतीले में पपीता पीला पीला। जीत गए। तो गिफ्ट तो बनता है भैया, गिफ्ट ला दो जरा सा, वरना डीजे वाले बाबू भी इस बार नाराज हो जाएंगे, गाना तो बजेगा ही नहीं। गिफ्ट कहाँ है, गिफ्ट कहाँ है, हमारे पास गिफ्ट आ गया है, आइए सर। सर तो तुमाशी की तरफ से आपको मिलता ओके है, यस इधर 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 नहीं है मैडम, नहीं है मैडम, लुक हियर, कौन सा मैम आप बोलिए, पके पेड़ पर पका पपीता, पका पेड़िया पका पपीता, पके पेड़ को पकड़े पिंकू, पिंकू पकड़े पका पपीता। थैंक यू, आपका इतना अच्छा अच्छा बोलने के लिए, ट्राई करके आयो, घर वाली यहाँ नहीं, बातें ना बोलो, घर वाली यहाँ नहीं, इसका मतलब सब समझते हैं ना, जैसे ये बोल रहे हैं ना, सब समझते हैं ना, सब हस्बैंड कैसे होते हैं, अब आपको अच्छे से समझ आ रहा है, आप बैठ के नीचे कितनी बड़ी परिश्रम है, ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट, वेरी गुड। नेक्स्ट टेबल पे पके पेड़ पे पका पपीता पका पेड़िया पका पपीता पके पेड़ को पिंकू पकड़े पिंकू पकड़े पका पपीता। Thank you.
यस मैडम आप भी आ जाओ साथ में। यस भैया इधर, भैया भैया इधर 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 इधर। तेज भी बोल रहा है। कच्चा पापड़ पक्का पापड़, कच्चा पापड़ पक्का पापड़, कच्चा पापड़ पक्का पापड़, कच्चा पापड़ पक्का पापड़, कच्चा पापड़ पक्का पापड़। नहीं नहीं नहीं, कच्चा पापड़ पक्का पापड़, कच्चा पापड़ पक्का पापड़, कच्चा पापड़ पक्का पापड़, कच्चा पापड़ पक्का पापड़, कच्चा पापड़ पक्का पापड़। मैं टीचर है ना, क्या करें। अरे बाप रे, तो मैंने सही पकड़ा। एक और गिफ्ट हैम्पर की बारी है। किसी का नंबर ही नहीं आने रही है। एक और गिफ्ट हैम्पर ओके यस गिफ्ट। वेट आईज ओपन, आईज ओपन। बहुत बढ़िया। बोलने वाली हूँ आपको बताने कौन सी फिल्मी एक टर्म प्रोफेशनल यूज हुआ था। आपने पहले बोला था, पहले आंसर बताओ। आप बता दे, गेम बदल रही हूँ मैं। आप बोलोगे चंदू के चाचा ने पहले ट्राई लिया। चंदू की चाची को चांदनी चौक पे चांदी के चम्मच में चटनी चटाई। चांदनी रात में एक बार फिर रिपीट कर दो। चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को चांदनी चौक पे चांदनी रात में चांदनी रात में चम्मच से चटनी चटाई। एक ही घर में जाना है। ओके आप आ जाओ ना नैन्सी। मैडम एक मिनट आ जाओ साथ, आ रहे हो आप। यस लुक हियर। ओह वेट आइज बंद हो गई।
जमाने के लिए भले ही आज होली हो, लेकिन तुम्हारी यादें मुझे रोज रंग देती हैं। आज होली का जो है पावन पर्व है और लोग बड़ी धूमधाम के साथ इस पर्व को मना रहे हैं। आप भी इस त्यौहार को बड़ी धूमधाम के साथ मनाइए। ऑरेंज एफएम रेडियो ऑरेंज ने बड़ी धूमधाम के साथ इस त्यौहार को मनाया है करनाल के लोगों के साथ, और मीडिया पार्टनर करनाल ब्रेकिंग न्यूज जो आप तक हर खबर सबसे पहले सबसे सटीक पहुंचाता है। हमारे साथ नैया है जो आपकी पार लगाती हैं। नैया क्योंकि आपको बहुत अच्छे अच्छे गाने सुनाती हैं। नैया उधर हैं, मैं मतलब डायरेक्शन चेंज हो गई थी। नैया कैसा रहा आज का कार्यक्रम, बहुत एंजॉय किया? सर जिस तरह आपने देखा बहुत ज़्यादा मजा आए। होली को आपने ये बोला कि तुम्हारे रंग में मैं हमेशा ही रंगा रहता हूँ, उसकी याद आती है। जी जी जी, वो तो सबको आती है, मुझे भी आती है आज, है ना, है तो नहीं वो लेकिन याद आती है। तो उसी पर मैंने, अगर भारत से हम रिलेट करें ना होली को, तो मैंने उसी के सोच में दो एक शब्द लिखे थे जो मैं कहना चाहूँगी। ये भारत की भूमि है जनाब, जहाँ हर रिश्ता पैसों प्रतियोगिताओं ने काटा है, वहीं हर शख्स को एक त्योहार ने सुखियों से बांटा है, है ना। बस क्योंकि हम लोग इतने सारे त्योहारों में अपने आप को संजो लेते हैं, और अब रेडियो ऑरेंज की बात हो रही है, कुछ खट्टा है तो कुछ मीठा है। वैसे लोग कहते हैं कि मिठाइयाँ शेयर करनी है, लेकिन हम लोग खट्टा भी देते हैं, हम मीठा भी देते हैं, एंटरटेनमेंट का डोज देते हैं हमारे साथ, और खुशियाँ भी आप शेयर कीजिए करनाल के लोगों के साथ। कैसा रहा आज का कार्यक्रम, बहुत एंजॉय किया? बिल्कुल, राज वेल्स आज यहाँ पर पहुँचे अपने सभी कस्टमर के साथ, और ये लगाएं कि हमारा ये इस साल का सेकंड इवेंट था न्यू ईयर के बाद, और लोगों ने इतना एंजॉय करा है, बहुत बहुत सभी मतलब जितने भी हमारे कस्टमर्स हैं सभी यहाँ पर आके बहुत खुश हुए हैं। इवन हमारे ऋषपाल कंबोज जी हैं, वो इंद्री से आए हैं, कोई गुड़गांव से आया है, कोई यूपी से आया है, हरियाणा के कोने कोने से लोग यहाँ पर आकर उन्होंने इतना एंजॉय करा है। आप इसको ये भी कह सकते हैं कि एक होली की पार्टी है, और आप इसको एक गेट टुगेदर भी बना सकते हैं, जो हम सभी के कस्टमर्स को हम बड़ा फ्रीक्वेंटली बुलाते रहते हैं। सभी ने एंजॉय किया है इस होली के कार्यक्रम को। आप भी होली का त्यौहार है बड़े धूमधाम तरीके से मनाएं, हुड़दंगबाजी ना करें, रंग लगाएं, और थोड़ा बहुत पानी के साथ भी खेल लें तो मज़ा आएगा, और परिवार के साथ होली मनाएं। कैसा रहा आज का कार्यक्रम? हिमांशु जी, बेसिकली आज का फंक्शन बहुत अच्छा था। आई थिंक मेरी लाइफ में सबसे अच्छा फंक्शन यही रहा है आज, और होली में ना कि हम 106.4 एफएम से इंजॉय किया। और मैं सबको विश भी करना चाहूँगा तुमाशी इंडिया की तरफ से एंड एम्स्टर्डम की तरफ से, कि सब लोग ऐसी खुशियों से हमेशा होली मनाते रहें, और ऐसे कार्यक्रम मैं हरिंदर जी को बोलना चाहूँगा कि ऐसे कार्यक्रम अक्सर करते रहें, ताकि हम लोग करनाल वासी भी हरियाणा वासी भी सभी ऐसे इंजॉय करते रहें। हरिंदर भाई हमेशा कैमरे के पीछे रहते हैं, वो अभी भी मना करेंगे, लेकिन हमेशा ध्यान रखते हैं, सभी का ध्यान रखते हैं, बहुत एंजॉय किया ना। मैं यहाँ टोकूंगा, ये हमेशा पीछे रहते हैं, मगर आज आपने इसको उनको पकड़ लिया। मेरा काम है वो, मेरा काम है। कैसा रहा है हिरेंद्र भाई? आई थिंक अभी तक का हमारे रेडियो ऑरेंज का ये जो इवेंट था, टू ऑसम सुपर्ब था, एंड थैंक यू सो मच चिराग जी, जसविंदर सर, और हमारे सारे स्पॉन्सर्स, और सबसे बड़ी बात बिकॉज ऑफ लिसनर्स आज ये लोग हमारे पे ट्रस्ट कर रहे हैं। टू बी ऑनेस्टली स्पीकिंग, रेडियो ऑरेंज को इतने कम टाइम में इस पीक पे लेके जाना जस्ट बिकॉज ऑफ सर और सारे के सारे हमारे जो स्पॉन्सर्स और मेन लिसनर्स हैं, क्योंकि रेडियो ऑरेंज सिर्फ एक ही बात कहते हैं, कुछ खट्टा कुछ मीठा। और आप लोगों के थ्रू सिर्फ ये कहना चाहूँगा, आगे भी आप लोग हमें ऐसी सपोर्ट करिए ताकि हम और इवेंट्स भी करते रहें, और कहीं ना कहीं लोगों को इसी तरीके का टेस्टी और टैंगियस जो रेडियो का हमारा तड़का उसको देते रहें। थैंक यू। खबरों के लिए आप करनाल ब्रेकिंग न्यूज़ देखते रहें। और मैम बहुत मज़ा आया ना, मतलब होली का त्यौहार, होली का त्यौहार बहुत ही हम लोगों ने इंजॉय किया, बहुत ही मज़ा आया, स्पेशली हरिंदर जी के है तभी हमारा लगता है रेडियो ऑरेंज है। तो थैंक यू ऑल एंड हैप्पी होली टू ऑल। गानों पे थिरके या नहीं थिरके? हाँ जी थिरके। तो खूब एंजॉय किया हमारे साथ, क्या बहुत मज़ा आया, बहुत बढ़िया इवेंट था ये 106.fm का। ऐसे इवेंट जो हमारा स्पॉन्सर, जो ऐसे इवेंट्स होते रहते हैं, मैं चाहूँगा ऐसे इवेंट्स और होते रहें। होली का जैसे आज हुआ है, आगे और भी पहले इवेंट्स हुए हैं, बहुत अच्छे 106 के होते हैं। तो खूब एंजॉय किया करनाल के लोगों ने, बहुत मजा आया सर आज के प्रोग्राम में। हेलो सर, हाउ आर यू टुडे? इट वाज अ ग्रेट प्रोग्राम, एंड फर्स्ट ऑफ ऑल एज यूजुअल आई वांट टू से थैंक यू टू माय फ्रेंड चिराग, राज ज्वेल्स नंबर वन इन करनाल, इज अ लवली हार्ट, आई हैव नो वर्ड्स टू से टू हिम, थैंक यू मैन। एंड द सेकंड थिंग इज हैप्पी होली टू एवरीबॉडी,
तो आप भी होली का त्यौहार बड़ी धूमधाम के साथ मनाइए, खुशियों के साथ मनाइए। करनाल ब्रेकिंग न्यूज आप तक हर खबर हर जानकारी सबसे पहले सबसे सटीक तरीके से पहुंचाता रहेगा और धूमधाम के साथ मनाइए। लड़ाई झगड़ा मत कीजिए, हुड़दंगबाजी मत कीजिए, प्यार बांटिए, दोस्ती बांटिए, रिश्ते बांटिए और मिलिए अपने परिवार के लोगों से, अपने रिश्तेदारों से, क्योंकि ये रंगों का त्यौहार है। अब बने रहिए करनाल ब्रेकिंग न्यूज़ के साथ। मैं आपके साथ हिमांशु नारंग।